News 18, India. मैं पूरे डिबेट अब एक शब्द नहीं बोलूंगा, आप या ऋषभ भाई, आप दोनों में से कोई एक जवाब देना। आज से कुछ दिन पहले नीतीश जी का एक स्टेटमेंट था सदन के अंदर, महिलाओं पर जो स्टेटमेंट दिया था, जिसका आपने खिलाफ किया था, मैंने भी खिलाफ करके बोला था। रुक जाओ ऋषभ भाई, रुक जाओ। क्या इतने निचले स्तर पर जिनका वक्तव्य जाता हो उनके साथ गलमहिया करके महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बात करते हो? मैंने अमित विरोध किया था, आज मैं आशा करता हूं, रुको ऋषभ भाई, आप भी विरोध करो ऐसे व्यक्ति का। अगर महिलाओं का सम्मान है, मैं बिल्कुल विरोध करूंगा जो महिलाओं के खिलाफ बोले, लेकिन जिनके मुंह में दही जम जाता है जब तक सत्ता में रहते हैं, ऐसे लोगों का नहीं करूंगा मैं। आप कहां थे तब क्या कर रहे थे आप? प्रतीक जी इनसे पूछिए, ये दलित महिला और बात करते हैं, जब देश के सर्वोच्च पद पे एक महिला आदिवासी को बैठाया गया तो इन लोगों ने किस तरह की नौटंकी की थी, उनके बारे में किस तरह की वक्तव्य दिए थे? दूसरी बात, ये बार बार ये कहते हैं बिहार के लाल, आप बिहार से हो ना, जब सत्ता में थे तो कर्पूरी जी को क्यों नहीं भारत रत्न दिया? जवाहरलाल नेहरू जी को उनके जीवन में भारत रत्न मिल गया। जी मैं गुलाम हुसैन लद्दाख से हूँ। मैं कितना टेम्परेचर होगा लद्दाख में? लद्दाख में अभी -15 हो। प्रभात जी को और इन सबको ले जाओ वहां डालो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के गवर्नमेंट, आज के मीडिया, बहुत अच्छा शो, आज अच्छे शो में भाटी साहब भी जम्मू कश्मीर से आए हुए, मैं सुनूंगा। शो नहीं खत्म होगा जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा। भाटी साहब आज पहुंचे हैं, वहां आए हुए हैं जम्मू से, और चचा बरेली से आए हुए हैं, और गुलाम साहब लद्दाख से बोलिए जी। मैं लद्दाख की आवाज ये बताना चाहता हूँ कि आज के गवर्नमेंट, आज के लोग, आज के मीडिया बिहार में हुकूमत बदलने और हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान में तनाव फैलाने में मसरूफ है। हम लद्दाख के वासी पिछले 4 साल से सेफ गार्ड के लिए, 6 शेड्यूल के लिए सड़कों पे खड़ा है, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके लिए गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, दरखास्त है कि हमारी आवाज सुनी जाए और हमें 6 शेड्यूल हमें दिया जाए, ताकि लद्दाख के लोग जो है हम अपनी सेफ गार्ड रख सके। बिल्कुल, और ये एक तरीका है कि जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं और आपके लिए बात सुनी जाए और आपकी बात, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने बात की, मैं बराबर पेपर में पढ़ रहा हूं खबरें आपकी, लद्दाख की मैं बराबर उस पर नजर है मेरी। जी भाटिया जी, जनाब कहां से आना हुआ? सर मैं दार्जिलिंग से हूं। दार्जिलिंग से आज बहुत अच्छी दूर दूर से लोग आ गए। जी मेरा सबसे फेवरेट नेता है, एक तो मैंने नाम दे रखा है मोदी जी को राम है, योगी जी को लक्ष्मण। अब इसमें हम नहीं कुछ कर पाएंगे भाई, ये वो दार्जिलिंग से बोले, चाहे तुम लद्दाख से बोलो, वो जो कह रहा है वही सुनना पड़ेगा। इस शो की खूबी यही है कि अगर किसी को राम दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर किसी को योगी जी में लक्ष्मण दिख रहा है तो मैं शो में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये दार्जिलिंग से आया जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 साल का प्रॉब्लम, लाइक बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, और 370 और 3 तलाक सब खत्म कर दिया है, और हमारे गोरखालैंड के बारे में वही ये हिंदुस्तान की आवाज है, घूम फिर के आई। वाई नॉट अबाउट गोरखालैंड? मैंने शो किया था, दार्जिलिंग में शो किया है, बिल्कुल।